हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आ सके। अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी की कुछ एक सीरीज़, जिसमें कि पहला वीडियो होगा ऑफिस कैब यूज़ करने वाले लोगों के लिए कि क्या क्या उनको करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ऑफिस कैब यूज़ करने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार एंड आई एम ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप ऑफिस से पिकअप या ड्रॉप लेते हैं तो आप जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं, जो कि ऑफिस रिकॉर्ड के अनुसार आपने वहाँ पे लिखवाए हुए हैं, उसी के अनुसार अपना पिकअप और ड्रॉप डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर लें। अगर आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी कहीं आगे पीछे उतरना है या फिर कहीं दूसरी जगह से बैठना है तो ऑफिस और आपके घर वालों को इस बात का पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर टू है कि जब भी आप कैब बोर्ड करें तो ध्यान रखें कि ड्राइवर ने ड्रंक तो नहीं कर रखा है, किसी नशे में तो नहीं है। आप उसको ऑब्जर्व करें, अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप कैब बोर्ड ना करें। पॉइंट नंबर थ्री है कि ये भी ऑब्जर्व करें कि ड्राइवर कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्लीपिंग कंडीशन में हो, डोजिंग हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी में देखने में आया है कि अब तो पहले से सिचुएशन काफ़ी ठीक हो गई है, लेकिन ये देखने में आया है कि जो ड्राइवर्स हैं एक गाड़ी पर 24-24 घंटे 48-48 घंटे कंटिन्यूस ड्यूटी करते रहते हैं, जिससे कि ह्यूमन बॉडी है, उनको रेस्ट चाहिए, उनको प्रॉपर रेस्ट मिल नहीं पाता है। तो ये ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि वो स्लीपिंग कंडीशन में हो या ऊँग रहा हो, जिससे कि रास्ते में गाड़ी चलाती बार नींद आ जाए और एक्सीडेंट हो जाए। तो ध्यान रखें इस बात का। दोस्तों, पॉइंट नंबर फोर है कि जब भी आप गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट जरूर लगाएं, और साथ में अगर कोई आपका साथी है तो उसको भी बोले सीट बेल्ट लगाने के लिए, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी सीट बेल्ट ही आपको बचाएगा और ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पॉइंट नंबर फाइव है कि जब भी आप गाड़ी में बैठ के घर से ऑफिस या ऑफिस से घर जा रहे हों तो गाड़ी में बैठने के बाद जैसे ही गाड़ी चलती है अपनी विंडो को रोल्ड अप कर लें, विंडो को बंद कर लें और साथ में अपनी जो खिड़की है वो अंदर से लॉक कर लें, क्योंकि गाड़ी जब रेड लाइट्स पे रुकती है तो देखा गया है कि वहाँ पे बैगर्स वगैरह एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो कि नॉक करके आपका ध्यान बटा सकते हैं, कुछ सामान अगर आपकी विंडो नीचे है तो कुछ छीन सकते हैं आपसे, कुछ सामान भी फेंक सकते हैं आपकी गाड़ी में। तो ध्यान रखें कि विंडो ऊपर करके रखें और दरवाज़ा अंदर से लॉक रखें। पॉइंट नंबर सिक्स, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, पूरे इंडिया में मैंडेटरी कर दिया गया है जितनी भी टैक्सी सर्विसेज हैं, जो भी टैक्सी चल रही हैं, उनके अंदर पैनिक बटन, GPS एनेबल्ड पैनिक बटन होना चाहिए। तो दोस्तों, इन केस ऑफ इमरजेंसी, खासकर फीमेल्स अगर उनको लगता है कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई इमरजेंसी है, तो उसको बटन को प्रेस कर सकती हैं, जहाँ जिससे कि नोटिफिकेशन उनके ऑफिस में और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाता है और एक्शन नेक्स्ट हो सकता है। साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे जब भी आप ऑफिस कैब लेते हैं नाइट आवर्स में या डे आवर्स में, तो अपना GPS, जो मोबाइल का GPS है, वो अनेबल करके रखें, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उस केस में आपको ट्रेस किया जा सकता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर सेवन है कि जब भी आप कैब में बैठे हुए हैं तो कैब के अंदर स्मोक ना करें, क्योंकि स्मोक से आपकी जान को खतरा हो सकता है, आग लग सकती है, अगर कोई चिंगारी सीट वगैरह पे अगर गिर जाती है तो प्लीज़ उसमें स्मोक ना करें। पॉइंट नंबर एट है, कैब स्पीड एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है ऑफिस की कैब्स में, क्योंकि उनका कई बार बैक टू बैक रूट होता है, उनकी दूसरी ड्यूटियाँ ड्राइवर्स को करनी होती है, इस वजह से कई बार जब लेट हो जाते हैं ट्रैफिक जैम में तो गाड़ी को बहुत ज़्यादा भगाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखें गाड़ी को जो है ओवर स्पीडिंग ना होने दें, अगर ओवर स्पीडिंग करता है ड्राइवर तो उसको टोके और उसको मना करें, अगर फिर भी ड्राइवर नहीं मानता है तो आप अपने ऑफिस में इन्फॉर्म कर सकते हैं। पॉइंट नंबर नाइन, दोस्तों, जब भी आप ऑफिस कैब में बैठे हुए हैं तो उसको रास्ते में बिल्कुल भी ना रुकवाएं, अंटी अनलेस कोई इमरजेंसी हो। इमरजेंसी आपको किस प्रकार भी हो सकती है, मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि गाड़ी का कोई प्रॉब्लम हो गया है, कोई मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आ गई है गाड़ी में, या फिर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई है आपके किसी साथी को या फिर ड्राइवर को, जैसे ही गाड़ी अगर इनकेस ऑफ इमरजेंसी रास्ते में रुकती है तो आप अपने ऑफिस ट्रांसपोर्ट टीम को ज़रूर बताएँ। पॉइंट नंबर टेन, यह देखा गया है कि कैब में साथ साथ चलते चलते ड्राइवर्स के साथ एम्प्लॉयज़ का बहुत अच्छा लाइजनिंग हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार
एम्प्लॉय बोलता है चलो यार मैं गाड़ी चला जाता हूँ, या ड्राइवर बोलता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार आप देखो गाड़ी चला के देखो, मैं देखता हूँ कैसे आप गाड़ी चलाते हो। और जब ये काम होने लगता है तो इनकेस कोई अगर एक्सीडेंट होता है तो कोई भी क्लेम ना तो एम्प्लॉय की फैमिली को मिलेगा, ना ही ड्राइवर को मिलेगा, ना ही उस कंपनी को मिलेगा जिसकी वो गाड़ी है। क्योंकि जब कमर्शियल कैब होती है तो उसमें कमर्शियल लाइसेंस यूज़ होता है, अगर कमर्शियल लाइसेंस नहीं है तो उनको क्लेम मिलने में दिक्कत होती है, क्लेम मिलता ही नहीं है। तो दोस्तों कभी भी गाड़ी ड्राइव ना करें। पॉइंट नंबर 11, दोस्तों महानगरों में देखा गया है कि लोगों के दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म होते जा रहे हैं, और जब रोड पे चलते हैं तो दूसरे को थोड़ा सा भी किसी ने स्पीड बढ़ा दी, किसी ने थोड़ा सा साइड लेके ओवरटेक कर लिया तो दिमाग बहुत गर्म हो जाते हैं और एक दूसरे से झगड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहें कि बिल्कुल भी किसी से झगड़ा ना होने दें, अगर ड्राइवर कोशिश करता है तो उसको समझाएं और बिल्कुल भी उस मामले को अवॉइड करें। अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है तो तुरंत ही नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फिर 100 नंबर या फिर अपने ट्रांसपोर्ट टीम को जरूर कॉल करें ताकि इमीडिएटली आपके पास हेल्प पहुंच सके। पॉइंट नंबर 12, दोस्तों डायरेक्ट ड्राइवर के साथ किसी भी आर्गुमेंट में ना उलझें, चाहे गलती ड्राइवर की हो, चाहे वो रश ड्राइविंग कर रहा है या यूनिफॉर्म में नहीं है या फिर ओवर स्पीडिंग कर रहा है, उसको समझाएं, मानता है ठीक है, नहीं मानता तो आपने ट्रांसपोर्ट टीम को इन्फॉर्म करें। दूसरे केसेस में देखने में आया है कि जो आपस में क्लैशेस होते हैं वो जब आपस में इंटरेस्ट क्लैश होते हैं ड्राइवर का और एम्प्लॉयज़ का, तब वो दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल मैं ड्राइवर की बात करता हूँ, ड्राइवर कई बार दूसरे पिकअप या ड्रॉप कर रहा होता है तो अगर वो लेट हो गया पिकअप के लिए, एम्प्लॉय को कॉल करता है सर मैं आपका अगर ट्रांसपोर्ट से आपके पास ट्रैकिंग के लिए कॉल आया, तो उनको बोल देना कि सर ड्राइवर पहुंच गया और मैं कैब में हूं। तो उस टाइम एम्प्लॉय कहता है ठीक है ड्राइवर है कोई बात नहीं, चलो ठीक है जी मैं गाड़ी में बैठ गया हूं और ड्राइवर टाइम से पहुंच गया था। फिर ड्राइवर से एम्प्लॉय, इस तरह के एम्प्लॉय भी फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं और कहीं पे जब जा रहे होते हैं तो बोले जी मेरे को साइड में ड्रॉप कर दो, मेरे को अपने रिलेटिव के वहाँ जाना है वहाँ पे ड्रॉप कर दो या मिडवे में रोक लो। तो इस तरह से जब ड्राइवर मना कर देता है तो आपस में ईगो क्लैशेज होते हैं जिसकी वजह से डिस्प्यूट पैदा होते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी ना करें, एक प्रोफेशनल रिलेशन मेंटेन करें, चाहे ड्राइवर हो चाहे एम्प्लॉय हो, एक प्रोफेशनल रिलेशन जब तक रहेगा तो कोई भी क्लैश उत्पन्न नहीं होगा। पॉइंट नंबर 13, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीमेल्स के लिए और साथ में जो ट्रांसपोर्ट टीम है उसके लिए। एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनसाइन जो भी फीमेल पहला पिकअप या ड्रॉप होता है, लास्ट ड्रॉप होता है, उसको फीमेल स्टाफ को सिक्योरिटी गार्ड देना बहुत ज़रूरी है, जो कि ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेंड भी इसलिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी उसको क्या करना है, गार्ड को कहाँ पे इन्फॉर्म करना है, क्या एक्शन लेना है, फीमेल एम्प्लॉय को घर पर छोड़ना है ड्रॉप के केसेस में और पिकअप के केसेस में घर से उनको पिकअप करना है। तो सिक्योरिटी, ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड मैंडेटरी है फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए रात के लिए। पॉइंट नंबर 14, ये खासकर फीमेल्स के लिए है, जब वो अकेली होती है कैब में तो ध्यान रखें, उनको अलर्ट रहना चाहिए, वो सोए ना कैब के अंदर, क्योंकि अगर वो सो जाती हैं तो जो आपके साथ गार्ड है और ड्राइवर है कुछ नहीं कहा जा सकता है, अगर कोई अलर्ट नहीं है तो सिचुएशन कुछ भी डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी सोए ना और अलर्ट रहें जब आप अकेली हैं कैब के अंदर। पॉइंट नंबर 15, कीप इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स विद यू। इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स में आते हैं पुलिस का नंबर आपके पास होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट जो हेड है कंपनी के उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए, सिक्योरिटी हेड का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए, साथ में जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसके सुपरवाइजर का या ऑनर का भी आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर हैंडी होना चाहिए, इन केस ऑफ एमरजेंसी आप तुरंत उसको डायल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 16, दोस्तों ड्राइवर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी के साथ घर से ऑफिस प्रमाइसिस में लेके आना और ऑफिस प्रमाइसिस से घर पे छोड़ना। तो सभी ड्राइवर गलत नहीं होते हैं, लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जब भी आप कैब डिबोर्ड करते हैं तो ध्यान रखें कि अपना जो भी आपके ब्लॉगिंग्स हैं वो ध्यान से लेके जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आया ड्राइवर तो बहुत ईमानदार होता है लेकिन क्या होता है कि उसको अगले किसी भी नेक्स्ट कंपनी से जब पिकअप करना होता है या कहीं पर किसी को ड्रॉप करना है दूसरी कंपनी से,
तो किसी दूसरे आदमी के भी हाथ आपका आइटम लग सकता है और ड्राइवर को कई बार पता नहीं होता है, गाड़ी को बहाने के चक्कर में लगा होता है कि मेरे को अगला पिकअप करना है, अगला ड्रॉप करना है, तो उसको नहीं पता होता। लेकिन अल्टीमेटली जो ब्लेम आप लोग लगाते हैं या एम्प्लॉय लगाते हैं, वो ड्राइवर के ऊपर ही शक जाता है कि गाड़ी में उसके था तो उसके पास होगा। पॉइंट नंबर 17, दोस्तों अलग अलग कंपनीज़ में अलग अलग ट्रांसपोर्ट पॉलिसी होती हैं, एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग, उनके खर्चों के अकॉर्डिंग, ट्रांसपोर्ट वेंडर किस तरीके का है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पॉलिसीज़ बनी होती है। तो सबसे ज़रूरी है कि जो भी आपके कंपनी की पॉलिसी है, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, उसको पूरा पढ़ें और उसको फॉलो करें। पॉइंट नंबर 18, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन केस कोई इमरजेंसी होती है गाड़ी के अंदर, आप अकेले हैं गाड़ी के अंदर, ड्राइवर बाहर चला गया है, किसी भी कारण से रुक गया और आप अंदर से लॉक हो जाते हैं या ड्राइवर भी अंदर से लॉक हो जाता है, या फायर के इंसिडेंट में कई बार क्या होता है कि जो भी डिवाइसेस हैं ओपन करने के कार को अंदर से, वो फेलियर हो जाते हैं। उस केस में जब आपको बाहर निकलना है तो जो आपका हेड रेस्ट है आप उसको निकालिए, उसके जो आगे की नोक होती है वो बहुत ही शार्प की होती है, उसको उससे आप शीशे को तोड़ के आप बाहर निकलिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी आप अपनी गाड़ी में भी, प्राइवेट गाड़ी में भी अगर फंस जाते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्टे अलर्ट एंड सेफ़।